सीरीज ऑफ सिंप्लेक्स मेथड के 8th वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में एलपीपी के अनबाउंडेड सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा कि जब सिंप्लेक्स मेथड से किसी भी एलपीपी को सॉल्व करते हैं तो कैसे पता करते हैं कि उस एलपीपी का अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। इसके पहले मैं सिंप्लेक्स मेथड पर 7 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके सिंप्लेक्स मेथड के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाई फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। इस चैनल पर मैं हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलते रहे। और फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड, इस जेड जो है वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है जेड को, और ये कांस्टेंट दिया हुआ है दिस इक्वल टू 7। यहाँ पर एक इनइक्वेशन है, यहाँ पर एक इनइक्वेशन है, और x1 x2 x3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसको सॉल्व करना है सिंप्लेक्स मेथड से। सबसे पहले हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं सिंप्लेक्स मेथड में, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। सिंप्लेक्स मेथड का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए, अगर वो मिनिमाइजेशन का होता है तो उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन का है। और दूसरा काम करते हैं, जो b होता है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ जो भी b है वो नॉन नेगेटिव है, 7 5 पॉजिटिव है और ये 0 है, नेगेटिव कोई नहीं है। तो दो काम तो ऑलरेडी हम लोग का किया हुआ है, कोई इसको करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमाइजेशन का ऑलरेडी सवाल है और b जो है वो नॉन नेगेटिव है। अब तीसरा काम करते हैं, जो कॉन्स्टेंट होता है वो अगर इन इक्वेशन में है तो उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इन इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए स्लैक और सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू में स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए सजेशन है, अगर सिंप्लेक्स मेथड के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया गया सिंप्लेक्स मेथड पर, उसको आप ज़रूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप सिंप्लेक्स मेथड के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अनबाउंडेड ऑप्टिमल क्या होता है और कैसे हम लोग पता करते हैं सिंप्लेक्स मेथड के द्वारा। तो देखिए, यहां पर हम लोग स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल x5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि x4 तक तो यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो x5 और x6 हम लोग दो वेरिएबल लिए हुए हैं स्लैक वेरिएबल। तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, आपको एक और चीज पता होगा कि अगर इक्वल टू होता है तो वहां पर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, लेकिन यहां पर नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, x5 और x6 हम लोग स्लैक वेरिएबल लेते हैं तो कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा, ये तो इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। 14x1 प्लस x2 माइनस 6x3 प्लस 3x4 और यहाँ पर है इक्वल टू 7, थोड़ा स्पेस लेकर के हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 16x1 लिखते हैं प्लस हाफ x2 लिखते हैं माइनस 6x3 और उसके बाद x4 नहीं है तो x4 के सामने खाली जगह छोड़ दीजिए और फिर x5 यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं x5 और ये इक्वल टू में बदल जाएगा x5 ऐड करने पर। तो ये 5 हो गया और यहाँ पर है 3x1 माइनस x2 माइनस x3 और x4 के नीचे खाली जगह, x5 के जगह नीचे भी खाली छोड़ दीजिए और x6 हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ x6 इंट्रोड्यूस करने पर ये इक्वलिटी में बदल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर x4 नहीं है तो आप 0 × x4 लिख सकते हैं। यहाँ पर x4 नहीं है तो यहाँ पर भी हम लोग 0 × x4 लिख सकते हैं। x5 यहाँ नहीं है तो आप 0 × x5 लिख सकते हैं। यहाँ नहीं है तो 0 × x5 लिख सकते हैं। यहाँ x6 नहीं है तो 0 × x6 लिख सकते हैं और या फिर 0 × x6 यहाँ भी लिख सकते हैं, ताकि ये कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगा। आप इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो अब देखिए, इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से हम लोग इस फर्स्ट इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड और थर्ड को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं फिर से, ज़रा समझिए, 3 से डिवाइड करते हैं। क्यों 3 से डिवाइड कर रहे हैं मैं अभी बताऊंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 14/3 x1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/3 x2, यहाँ पर हो जाएगा -2 x3 और यहाँ पर हो जाएगा x4 प्लस यहाँ पर हो गया 0 × x5 प्लस 0 × x6
और यहाँ पर 3 से डिवाइड करने पर 7/3, और ये सब ज्यों का त्यों रहने दीजिए। 16x1 है प्लस हाफ x2 है माइनस 6x3 है प्लस 0x4 प्लस x5 और प्लस 0 × x6 इक्वल टू 5, और ये भी ज्यों का त्यों रहने दीजिए। 3x1 माइनस x2 माइनस x3 और प्लस 0 × x4 प्लस 0 × x5 प्लस x6 इक्वल टू ये है 0। अब हम लोग स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। तो नाउ वी कंस्ट्रक्ट स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल। क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो कोफिशियंट है वो लिख जाते हैं। तो कंस्टेंट ये है, कंस्टेंट जो है इक्वलिटीज में कन्वर्ट कर लिए। तो x1 का कोफिशियंट लिखिए, x1 का कोफिशियंट है 14/3, फिर x2 का कोफिशियंट है 1/3, x3 का -2, x4 का 1, x5 का 0 और x6 का 0। आप सेकेंड से लिख जाइए x1 x2 सभी का कोफिशियंट, तो 16 है, फिर 1/2 है, फिर -6 है, 0 1 0। और थर्ड से हम लोग लिख जाते हैं 3 -1 -1 0 0 और 1। अब देखिए हम लोग ये जो इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना रहता है वो नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने का क्या पर्पस होता है। पर्पस होता है कि यूनिट मैट्रिक्स का कॉलम बनना। तो यूनिट मैट्रिक्स का कॉलम ऑलरेडी x4 से बन गया। आप देखिए जब यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो जो कांस्टेंट है x4 का टर्म फर्स्ट कांस्टेंट में था और सेकेंड में x4 नहीं था, थर्ड में x4 नहीं था, तो सेकेंड और थर्ड में क्या हो जाएगा, 0 और 0 हो जाएगा। और यहाँ अगर 3 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पर 1 बन गया, तो 1 0 0 आ रहा है। तो यूनिट मैट्रिक्स का एक कॉलम यहाँ से बन जा रहा है x4 से। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर x4 में इंट्रोड्यूस नहीं किए, इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करने के बाद भी यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स का एक कॉलम बन रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिक वेरिएबल का वैल्यू लिखते हैं। बेसिक वेरिएबल इसको कहेंगे, बेसिक वेरिएबल जो यूनिट मैट्रिक्स है यहाँ पर, उसी यूनिट मैट्रिक्स में जो वेरिएबल एसोसिएट है उसी को हम लोग कहेंगे। तो बेसिक वेरिएबल हो जाएगा x4, फिर x5 और x6 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर cj लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है उसको लिखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप देख रहे हैं कि x1 का 107 है और x2 का 1 है और x3 का 2 है। तो 107 हो गया यहाँ पर हो गया, x2 का 1 है और x3 का 2 है, बाकी यहाँ पर नहीं है। तो x4 x5 x6 का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो x4 का भी 0, x5 का भी 0, x6 का भी 0। यहाँ पर हम लोग x4 का कोएफिशिएंट लिखते हैं, तो x4 का 0 और x5 का है 0 और x6 का भी 0 है। अब बेसिक वेरिएबल का वैल्यू क्या आएगा, तो जो नॉन बेसिक है ये बेसिक वेरिएबल हो गया। नॉन बेसिक को 0 पुट करते हैं, x1 x2 x3 को 0 पुट करते हैं। तो आप अगर x1 x2 x3 को 0 पुट कर दीजिएगा तो x4 का वैल्यू निकल जाएगा। ये तो दोनों ऑलरेडी 0 है, तो x4 का वैल्यू आ रहा है 7/3। इसी तरीके से यहाँ पर x1 x2 x3 की जगह 0 पुट कर दीजिएगा तो ये 0 ये 0 ये 0 और ये ऑलरेडी 0 है यहाँ पर, ये और ये। तो x5 का वैल्यू निकल जाएगा 5 और इसी तरीके से x6 का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं x6 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये एक टेबल बन गया। अब ये बेसिक सॉल्यूशन निकल गया, इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन। तो ये जो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकला है ये ऑप्टिमल है या नहीं इसको टेस्ट करते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग डेल्टा जे निकालते हैं। तो डेल्टा जे निकलता कैसे है, डेल्टा जे मतलब इसमें डेल्टा 1 होगा, इसका डेल्टा 2 निकलेगा, इसका डेल्टा 3। तो यहाँ पर लिखना है डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 निकलता कैसे है, डेल्टा 1 निकालने के लिए सीबी को x1 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें c1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये सीबी और x1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें c1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 × 14/3 और प्लस फिर 0 × 16 और प्लस फिर 0 × 3 और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं ये 107 -107। तो ये तो 0 आ रहा है, आप देख रहे हैं कि ये -107 आ गया। तो ये आ रहा है -107। इसी तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये जो यूनिट मैट्रिक्स आया उसके कॉलम को हम लोग फर्स्ट कॉलम जो आया यूनिट मैट्रिक्स का उसको β1, सेकेंड कॉलम को β2 और थर्ड कॉलम को β3 से डिनोट करते हैं। और β1 β2 β3 का डेल्टा जो है वो निश्चित रूप से 0 ही होता है, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप निकाल करके चेक भी कर सकते हैं। इसका डेल्टा 2 निकाल लेते हैं। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहाँ से भी 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1 हो गया।
और यहाँ पर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा। अगर इस डेल्टा में से कोई भी अगर नेगेटिव आ जाए तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होता है, जो फिजिबल सॉल्यूशन निकला वो ऑप्टिमल नहीं होगा। तो अब ये सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये जो फिजिबल सॉल्यूशन निकला है वो ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो कैसे इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव करने के लिए जो एक मोस्ट नेगेटिव जो डेल्टा है वो इनकमिंग वेक्टर होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव डेल्टा में से ये तीन है, तीन में से मोस्ट नेगेटिव ये है, तो मोस्ट नेगेटिव वेक्टर जो है वो इनकमिंग वेक्टर होगा और एक आउटगोइंग वेक्टर होगा। मींस आउटगोइंग मींस क्या हुआ, जो ये बेसिस मैट्रिक्स बन रहा है, जो यूनिट मैट्रिक्स है जिसका कॉलम यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है, इस बेसिस मैट्रिक्स में से एक कॉलम बाहर जाएगा और एक कॉलम अंदर आएगा। तो अंदर यही आएगा और कौन बाहर जाएगा, आउटगोइंग कौन सा होगा, उसके लिए हम लोग मिनिमम रेशियो निकालते हैं। मिनिमम रेशियो किसका निकालते हैं, जो इनकमिंग वेक्टर है उसका रेशियो निकालेंगे इसके साथ XB/X1। तो XB/X1 का निकालते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए 7/3 और /14/3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 7/14 यानी 1/2 आ रहा है, और यहाँ पर 5/16 हो जाएगा, तो ये 5/16 और ये 0/3, तो यहाँ पर 0/3 जीरो आएगा। तो मिनिमम रेशियो आप देख रहे हैं कि ये तीन रेशियो जो है उसमें से तीन रेशियो में मिनिमम जीरो है, तो जीरो जो है वो आप यहाँ से आप आगे बढ़िए और आगे बढ़ कर के ये जो है वो की एलिमेंट आएगा। ये कहाँ से आया, यहाँ से हम लोग इनका यही मिनिमम रेशियो है, तो मिनिमम रेशियो से आगे बढ़ रहे हैं और इनकमिंग वेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वही की एलिमेंट हो जाएगा। और यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो X6 पर पहुँचते हैं, तो X6 जो है वो आउटगोइंग वेक्टर होगा, तो ये आउटगोइंग हो गया। अब हम लोग यहाँ पर यही कॉलम लाना पड़ेगा जो आउटगोइंग है 001, यही यहाँ पर 001 लाना पड़ेगा। तो कैसे लाते हैं जरा देखिए उसके बारे में। तो सबसे पहले की एलिमेंट को 1 लाते हैं, 1 लाने के लिए इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से डिवाइड करके यहाँ पर लिखते हैं 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो -1/3 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा -1/3, यहाँ पर 0 ही आएगा, ये 0 और ये भी 0 और ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ तो हम लोग 1 बना दिए, अब ये सभी को 0 बनाना है, तो ये सभी 0 कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये आउटगोइंग वेक्टर है 001 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग 1 बना चुके हैं। अब ये 0 बनाने के लिए इसमें 14/3 से मल्टीप्लाई करके ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, इसमें 14/3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए 14/3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 7/3 ही होगा, और 14/3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 14/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें 14/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 में सब्ट्रैक्ट होगा, किससे, 14/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14/9 हो जाएगा। आप 9 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा और 3 + 14 तो 17/9 आ रहा है, यहाँ 17/9, और 14/3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको देखिए यहाँ -2 है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है 14/3 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ हो जाएगा 14/9 माइनस में, और यहाँ पर 9 एलसीएम आ जाएगा तो -18 + 14 तो -4/9 आ रहा है, ये हो गया -4/9, और 14/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में तो 1 ही रह जाएगा, 14/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 14/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 14/9 और 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे -14/9 हो जाएगा। अब इसको 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 5 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 16 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहाँ पर भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे -16/3 और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 1/2 माइनस, यहाँ पर हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 16/3, तो ये 6 एलसीएम आ जाएगा, आप 2 से डिवाइड कीजिएगा 3 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे 2 और 16 × 2 = 32, तो ये आ रहा है 35/6 और यहाँ पर आप देखिए आगे कि ये 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16/3 और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है X3 वाला में, तो -6 में सब्ट्रैक्ट करना है 16 से मल्टीप्लाई करके तो -16/3, आप देख रहे हैं 3 एलसीएम हो जाएगा -18 और ये -+ हो जाएगा +16, तो ये आ रहा है -2/3
अब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, वन में सब्ट्रैक्ट करेंगे वन ही रह जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16/3 और जीरो में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -16/3 हो जाएगा। तो ये एक इम्प्रूव करके एक टेबल बन गया है। अब आगे देखिए क्या होता है। अब देखिए कि बेसिक वेरिएबल क्या हो जाएगा। बेसिक वेरिएबल में आप देख रहे हैं कि एक x6 जो है वो बेसिक वेरिएबल हट रहा है और x6 के बदले इनकमिंग हो रहा है x1, तो जहां x6 है वहां पर x1 करेंगे। तो ये बेसिक वेरिएबल x4 और x5 तो रहने दीजिए और x6 को हटा करके उसके बदले x1 लिखेंगे। यहां पर हम लोग cj लिख जाते हैं x1 x2 वगैरह का। तो ये है 107 और आगे है 1, फिर 2 और आगे है उसके बाद 0, 0 और 0 आप देख रहे हैं। और यहाँ पर x4 का आप देखें तो x4 का है 0, x5 का भी कोएफिशिएंट जो है वो 0 है और x1 का है 107। तो z आप निकाल सकते हैं, z इक्वल टू cb इंटू xb होता है। तो cb और xb को मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी 0 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो z का वैल्यू 0 हो गया। अब हम लोग डेल्टा जे निकालते हैं। तो डेल्टा जे कैसे निकलता है वो पहले बता चुका हूँ। अब β1 β2 आप भी लिख सकते हैं कि एक β3 हटा था और β3 की जगह ये हो जाएगा β3। तो यहाँ पर ये β3 हो गया और β1 β2 जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा। ये β1 है और ये β2 है। तो जितना भी बीटा होता है उसका डेल्टा तो 0 होता है, इसको आप लिख सकते हैं। और इसका डेल्टा लिखते हैं तो CB को X2 से मल्टीप्लाई करके C2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -107/3 और इसमें हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है -110/3। यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी 0, ये हो जाएगा -107/3 और यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है 2, तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 × 2 = 6, 6 + 7 = 130 हो जाएगा -113/3 और ये 0 हो जाएगा, इसके साथ भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 107/3 और उसमें 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 107/3 आ रहा है ये। तो ये डेल्टा निकल गया। अब देखिए जो डेल्टा निकला है उस डेल्टा में से कुछ नेगेटिव भी है, यानी कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। और तब मोस्ट नेगेटिव ढूंढेंगे कि मोस्ट नेगेटिव दोनों में से कौन है। तो ये मोस्ट नेगेटिव है यानी कि ये इनकमिंग होगा। अब आउटगोइंग निकालने के लिए मिनिमम रेशियो निकालेंगे xb/ जो इनकमिंग है यानी कि x3, तो x3 से डिवाइड करेंगे। लेकिन x3 से डिवाइड करेंगे जो पॉजिटिव होता है, जीरो या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि x3 में जो भी नंबर है वो सब क्या आ गया, नेगेटिव। तो यही अनबाउंडेड सॉल्यूशन का इंडिकेशन है कि अगर इनकमिंग वेक्टर में से अगर कोई इनकमिंग वेक्टर का सारा मेंबर जो है वो नेगेटिव हो या जीरो हो, तो वैसे केस में जो फिजिबल सॉल्यूशन होता है वो अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिंप्लेक्स मेथड में जब हम लोग इनिशियल स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल जो होता है या फिर बाद वाला जो टेबल होता है जब इम्प्रूव करते हैं सॉल्यूशन को, तो वैसे केस में जो इनकमिंग वेक्टर है उसमें से इनकमिंग वेक्टर का सारा नंबर, उसका सारा एलिमेंट अगर नेगेटिव हो जाए या जीरो हो जाए, नेगेटिव भी हो सकता है या जीरो हो जाए, तो वैसे केस में बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा। एक और चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये इनकमिंग वेक्टर है, ये और ये इनकमिंग वेक्टर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो बेसिस मैट्रिक्स है, बेसिस मैट्रिक्स को आप छोड़ दीजिए, बीटा वाला को छोड़ दीजिए। तो बीटा ये है, देख रहे हैं आप, ये वाला बीटा है, ये बीटा है और ये बीटा है। इसके अलावा ये तीन जो वेक्टर बचा है वो तीनों वेक्टर इनकमिंग वेक्टर का कैंडिडेट है। तीनों वेक्टर में से कोई भी इनकमिंग हो सकता है। अगर डेल्टा हम लोग चेक नहीं किए उसके पहले ये बता सकते हैं कि यही तीन में से कोई इनकमिंग होगा। अगर इस तीनों में से कोई भी एक में अगर सारा नंबर, सारा एलिमेंट नेगेटिव या जीरो हो जाए, तो वैसे केस में अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन निकलता है। जो फिजिबल सॉल्यूशन होता है वो अनबाउंडेड होता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन है तो उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन है तो उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लीजिए अगर इसका सभी नेगेटिव हो जाता तो वहाँ पर हो सकता था कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाता। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन जरूर होगा लेकिन उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता था ऑप्टिमल। लेकिन जो इनकमिंग वेक्टर है अगर उसका डेल्टा, उसका सारा एलिमेंट नेगेटिव हो,
विशेष रूप से देखिएगा कि जो इनकमिंग वेक्टर है उसका सारा एलिमेंट अगर नेगेटिव या जीरो आ जाता है तो वैसे केस में ना तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो फिजिबल सॉल्यूशन जो आएगा वो अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर अगर मिनिमम रेशियो निकालिएगा तो कोई भी मिनिमम रेशियो नहीं निकलेगा क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव का नहीं निकालते हैं, जीरो का नहीं निकालते हैं, तो इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा। तो आउटगोइंग कैसे चेक करेंगे? आउटगोइंग हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, तो आउटगोइंग चेक नहीं होगा, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इनकमिंग वेक्टर आर नेगेटिव, इनकमिंग वेक्टर का सारा एलिमेंट जो है वो नेगेटिव आ गया, सो x3 कैन नॉट इंटर इनटू द बेसिस मैट्रिक्स, ये x3 जो है वो बेसिस मैट्रिक्स में इंटर नहीं कर सकता है, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड। तो ये जो सॉल्यूशन आया वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो गया, इसका z का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, z को यहाँ पर वेरी लार्ज किया जा सकता है, कोई इसका लिमिट नहीं है, तो ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो गया। तो इस तरीके से आप अनबाउंडेड सॉल्यूशन का प्रॉब्लम को, अगर आपके बुक में कोई क्वेश्चन है तो उसको आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, और वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।